के साई ओपी ने ग्रेनेड कुक तो कर दिया है, अनपिन कर तो दिया है, नॉकआउट निकल भी सकता है। बढ़िया ग्रेनेड था, ऑन पॉइंट वो ग्रेनेड जाएगा। रोयत को मिलती है यहाँ पर अभी के लिए ओपनिंग, रिवाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मीनवल यहाँ पर लाइन के साई ओपी निष्काल के चलते एडीएस ओपन तो कर रहे हैं, बट वो फिनिश पॉइंट जो है वो सिक्योर कर पाएंगे या नहीं रहेगी देखने वाली चीज। फिर कोशिश करिए, कंफ्यूज हो ही जाते हैं बचाने के लिए। ब्लाइंड की वो काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे खा चुके हैं, बट इतना है नाम लिया था ऑरेंज रॉक का। एंड ये लीजिए, आता है टपा टप का ग्रेनेड, नॉक नॉक, एक और फाइट यहाँ पर आ चुकी है। वैक्सी के पास मौका, स्पॉट के डिफॉल्ट को, बट ये सन बॉल बॉय की आज इंस्पिरेशन मुझे समझ नहीं आ रही है। रुकेंगे आराम से, पत्थर के पीछे रुकेंगे, कवर लेंगे, वैक्सी को ओपन में स्पॉट आउट कर लिया, पीछे से न्यू ने ट्रैप बना लिया। इस टिप को मिनी रेड जोन बनाने की है स्ट्रेटजी टीम, टपा टप की अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो नंबर ऑफ फिनिशेस यहां पर बढ़ जाएंगे। बट यहां कुछ और हो रहा है, डिफॉल्ट और जोनाथन दोनों उसके टिप पर आ चुके हैं, इगोट भी नॉकआउट हो जाएंगे। नियो वाला बस लास्ट मैन स्टैंडिंग, 11 फिनिश पॉइंट्स है। देखते ही देखते टीम ऑरेंज रॉक का भी यहां पर सफाया, तीन बार रिवाइवल्स एक बार फिर से। स्नैक्स को इस मैप में ऑब्वियसली डीपी तो नहीं मिलने वाली है, बट क्लोज रेंज के लिए एकेएम और स्कारल का उपयोग किया जा रहा है। लेट्स सी पीछे से आईएनएस, सामने से F1LS, नंबर ऑफ टीम है टीम आईटी के इस, और ये दीजिए कलजीत ने प्री फायर के साथ डैमेज देना शुरू करा था, उधर से आतंकी का डैमेज देने का मौका था, दोनों ही वहां पर नॉकआउट हो चुके हैं। क्रेटोस के पास एकेएम रहने वाली है, अब कवर फायर देने के लिए आगे जा तो रहे हैं, बट हायर ग्राउंड पर जो बैठा खिलाड़ी है उनसे बचने के लिए कुछ स्रोबल्स का इस्तेमाल इनको करना ही पड़ेगा। आई थिंक क्रेटोस को आगे जाके अग्रस कर देना चाहिए था, दो प्लेयर्स आपके नॉकआउट थे, क्लियर इन्फॉर्मेशन था कि एक ही प्लेयर को स्पॉट किया गया है, तो कवर फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाना बिल्कुल लाजमी था। स्नैक्स यहां पर स्पॉट कर लेंगे मिड रेंज में, एकेएम का स्प्रे इज नेवर टू इजी विद दैट रेड डॉट, फिर भी डैमेज रजिस्टर किया था स्नैक्स ने। उधर क्रेटोस एक अलग फाइट में बोल रहे हैं, इधर से स्नैक्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा ये आपको परेशानी डालती है जब भी आप स्प्रे देने की कोशिश करते हो। इट्स रियली या इट्स अ लिटिल चीप वेपन जिसमें कंट्रोल यहाँ पे क्रेटोस के लेने की कोशिश करते हैं एक शॉट, बट यहाँ पे जो जिगल था वो तो काफी अच्छा था। बट स्नैक्स यहाँ पे बचे हुए हैं, आखिरी प्लेयर हैं मार्कोस गेमिंग, आई थिंक जॉर्डन जो वहाँ पे हैं 1v3 कर चुके हैं टीम आईएनडी को, बट अभी के लिए सिनिस्टर सही टाइम पे नेट से बचने के लिए नीचे आते हुए, बट सामने उनके प्लेयर हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, सारे प्लेयर उनके सामने, एंड इट्स अ ब्लडबाथ फॉर एनिग्मा एंड द टीम रेड आउल, एक शानदार विक्ट्री यहाँ पे लेके जाती हुई। बन भी सकता है, बट वो 1v1 की फाइट में जिस तरीके से सीज की टीम स्टार्टिंग से फाइट ढूंढ रही थी, फाइट्स मिली नहीं थी, सारंग को ओनली इन द मैच डाउन कर दिया, दैट ग्रेनेड माइट बी द एंड। नो, यहां पर ऑन पॉइंट नहीं गया वो ग्रेनेड, कुछ और ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, और आई थिंक अलादीन का वो ग्रेनेड जाता है जो पुकार और रौनक दोनों को ही फिनिश ऑफ करके दो फिनिश पॉइंट देकर जाएगा इस टीम को। इमोर्टल गेमर जाने जाते हैं अपने हील बैटल के लिए, बट आज एक अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं, एकेएम के प्री फायर सब कुछ ऑन पॉइंट जा रहा है, और आई थिंक एक अकेला खिलाड़ी जिनको ये ओपन आधे में स्पॉट कर चुके हैं, हाई रन का चाहिए उसे, फायर ऑन पॉइंट, इमोर्टल गेमर्स कवरिंग अप दैट 1v3। डॉक्टर का वो जो टाइटल है ना, लग रहा है अब हटाना पड़ेगा, ये डॉक्टर बहुत अग्रेसिव हो गए। अगर आप बात करेंगे तो आइकॉनिक को थोड़ा सा टफ टाइम मिला है, मिलेगा क्योंकि टपा टप के साथ उनकी फाइट है। लेट्स जस्ट सी जो अभी तक का स्ट्रीक चल रहा है टपा टप का, उस पे ब्रेक लगा सकती है क्या ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की टीम? देखिए बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, बिकॉज टीम टपा टप एक ऐसी टीम है, उनको यार अगर एक नॉक मिल जाता है तो वो अटैक ही करते हैं। जोनाथन जो ऑलरेडी तीन फिनिशर्स निकाल चुके हैं, ऑलरेडी एक फ्लैंक की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए, ज़ीगॉट भी यहाँ पे जा रहे हैं, एक प्लेयर जो अलग पोजीशन में वो वहां से मेरे ख्याल से कवर देने की कोशिश कर सकता है। जोनाथन जो ऑलरेडी तीन फिनिशर्स निकाल चुके हैं, चौथे फिनिश की तलाश में, लेट ज़ीगॉट को वहां पे नॉक कर दिया जाता है, और फियर्स यहाँ पे गाड़ी से नॉक हो जाते हैं, एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग। और ये पहली बार नहीं कर रहे क्लच गोट, हर बार आपको ऐसे कुछ देखने को मिलता है, एंड हियर यू गो, टीम टपा टप इज ऑन फायर, एंड इन देखिए बिल्कुल कोशिश तो यहाँ पे यही करी जाएगी। और जिस तरह से हम जानते हैं टीम टपा टप को इतना अग्रेशन दिखाते हैं, उनको बस एक नॉक की तलाश है, एक नॉक उनको मिलेगा सारे के सारे प्लेयर्स आपको रश करते नजर आ जाएंगे। अभी के लिए ये पोचिंग की जो फाइट होती है ना, थोड़ी सी ऐसे एरियाज पे बन जाती है जहां पे हायर ग्राउंड जो रूफ टॉप है वहां पे भी आप जा सकते हैं। जोनाथन का एक शानदार नेट आता हुआ, एक अच्छा नॉक उनको मिल चुका है, अब उनको अटैक करने से आई डोंट थिंक कोई रोक सकता है जोनाथन अब आगे जाने की तलाश में। लेकिन जो हायर ग्राउंड है, जो अलग अलग एंगल्स है, उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे टीम मेट को, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीम टपा टप चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है टीम मेट को।
घेर लिया है कुछ इस कदर कि इक्वेशन ही बराबर नहीं बची है, सिर्फ दो ही तो खिलाड़ी बचे हैं वहां पर टीम एडमिट के, दो प्लेयर्स अपने घुटनों पर रहे हैं। जिस तरीके का प्लान्ड अटैक था यहां पर टीम टपाटप का, आई थिंक कोई गोइंग बैक नहीं है। अक्षत बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, यहां से अगर इन्हें कोई बसा सकता है तो एक पूरा 1v4 का क्लच, जो कि इतना आसान तो होने नहीं वाला। अक्षत यहां पर डोर के पीछे बैठे हैं, वेट करेंगे डोर खुलने का, एक आधा प्लेयर नॉक हो जाएगा, लेट्स सी वो कैजुअलिटी आ पाती है या नहीं। बस लगी मेरे ख्याल से ये इतना आसान होने नहीं वाला, बट यहां कुछ और हो रहा है। अक्षत यहां पर अभी के लिए डोमिनेट करते जा रहे हैं, निकाला है यहां पर नॉक, बट फाइनली जाकर 4 फिनिश पॉइंट सिक्योर कर लिए जाएंगे टीम टपाटप।